जबलपुर जिले से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन दिनों यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यह सभी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए यूक्रेन पढ़ाई करने गए हुए थे, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात बनने के बाद वह बुरी तरह फंस गए। सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को घर वापस करवाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नई बस्ती बड़ा कुआं गोहलपुर में रहने वाले अंसारी परिवार की दो बच्चियां यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हुई थी, जो रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां फंस गई हैं। अंसारी परिवार का अपनी बेटियों से इन दिनों कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंसारी परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी दुखी और परेशान है। यूक्रेन में अंसारी परिवार को अंजुम अंसारी और ओसिन फातिमा अंसारी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। वहाँ के हालात को देखते हुए अंसारी परिवार ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटियों को सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। मेरा नाम फरजाना अंसारी है। हमारी दो बेटियां हैं जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी। वहां रसिया और यूक्रेन के बीच में झगड़ा हो गया, जो हमारी बेटियां फंस गई हैं। उनको निकालने की मेहरबानी करें और जहां भी हैं जैसे भी हैं सुरक्षित रहें, उनको हमारे घर भिजा दें। जिनकी दो बेटियाँ हैं, एक का नाम ओशिन फातिमा अंसारी है, एक का नाम रिजा अंजुम अंसारी है। उम्र 1 की 20 है, 1 की 22 है। वो जहाँ भी हैं सही सलामत हमारे यहाँ हमारे जबलपुर पहुँचाने की मेहरबानी करें। सांसद से निवेदन है कि वो घर ला दो, घर पहुँचाने की दोस्त करना। हम लोग जबलपुर में रहने वाले हैं, नई बस्ती बड़ा कुआं गोहलपुर, और मेरी दो बड़ी बहनें हैं जो अभी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। अभी हाल में ही यूक्रेन में और रशिया के बीच में लड़ाई हो गई है, तो वहाँ पर उन लोगों से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग अभी आर्मी के अंडर में हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए, और चाहते हैं कि हमें मदद मिल सके सरकार द्वारा मदद मिल सके, और जो भी प्रशासन है वो जिस तरीके से भी हमारी मदद कर सकते हैं वो कर दें। क्या नाम आपकी बहनों का? मेरी दो बहनें वहाँ पर हैं, एक का नाम है ओशिन फातिमा अंसारी और दूसरी रिजा अंजुम अंसारी। जबलपुर से आशीष वाचे की रिपोर्ट।